पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम समझते हैं कि तमाम तरह के दबाव के बावजूद, खास करके जो स्थानीय पत्रकार हैं, स्थानीय संवाददाता हैं, कैमरामैन, हम लोगों ने उन दबावों को नकारते हुए यह जो आपदा बिहार के ऊपर आई है, इस सवाल को बड़ी मुखरता से उठाया है। इसके लिए हम आप तमाम धन्यवाद करते हैं और यह बहुत दुख की घड़ी है, खासकर बिहार के लिए। यह जो लगातार मौतें हुई हैं लू की वजह से, बुखार के चलते, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग नाम दे रहे हैं, लेकिन अभी जब हम मुजफ्फरपुर SKMCH के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट उससे मिल करके आए, उन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक इसका नाम नहीं, लगातार रिसर्च हो रहा है, लेकिन इसको लेकर के अभी तक कोई नाम का निर्धारण नहीं है। वो ऐसा भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि सिर्फ एक अस्पताल में SKMCH 108 लोगों की, बच्चों की मौत की बात कही जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इलाके में यह संख्या लगभग 300 से ज़्यादा है, अलग अलग स्रोत से अलग अलग संख्या बताई जा रही है। लेकिन यह जो दुखदाई घड़ी है, इस दुखदाई घड़ी में हम तमाम लोगों को, न सिर्फ उन परिवारों के प्रति, उन बच्चों को अपनी शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, बल्कि इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिलाकर अपनी क्षमता के अनुसार हम जो भी जन सहयोग कर सकते हैं उसमें शामिल होना चाहिए, इस दुख की घड़ी में इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के ऊपर एक बड़ा कहर टूटा है। और जब हम बात करने के लिए गए थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि जल्दी से बारिश हो, तो संख्या जो एडमिट हो रहे हैं मरीज, उनकी संख्या ना सिर्फ कम होगी बल्कि बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। और उन्होंने बताया कि कल रात 12 बजे से लेकर के अभी तक कोई नया दाखिला नहीं हुआ है, कोई नया पेशेंट नहीं आया, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो लोग अपना नौनिहाल खोए हैं, जिनके परिवारों का चिराग खोया है, उन परिवारों के प्रति हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और हमने अपने स्थानीय साथियों से पहले ही बात की थी, क्योंकि हमारा मानना है कि अस्पताल जाना और फोटो खिंचवाना और मीडिया को बाइट दे देने से कुछ नहीं होगा। यह जो महामारी आई है, इसके खिलाफ हम लोगों को सशरीर जन सहयोग करना पड़ेगा। और लोगों ने बताया कि 15 टीमें काम कर रही है, कल रात भी 2 ट्रक सामग्री पटना से इकट्ठा होकर के आया है। अभी भी हमने कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी मीटिंग ली और तमाम कार्यकर्ताओं को इस काम पे लगाया कि आप गांव तक जाइए और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम कीजिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी कहा कि वाहन की कमी की वजह से कई बच्चे समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते, तो आप अलग अलग जगह पर वाहन लगवाइए। और कुछ डॉक्टरों से हमारी बात की, आप भी जानते होंगे कि गोरखपुर से डॉक्टर कफील आए हुए हैं और अलग अलग डॉक्टरों की टीम कैंप लगा करके बच्चों के इलाज का काम कर रहे हैं। उनके बीच में जाने की ज़रूरत है, लोगों को बताना है कि अमुक जगह पे वाहन की व्यवस्था की गई है, जो ही कोई लक्षण दिखे तुरंत जो है किसी टोना टोटका में जाने की बजाय तुरंत उसको नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया जाए। अस्पताल में उन लोगों ने एक नॉर्म बनाया है कि वार्ड के भीतर नहीं जाने देंगे, आग्रह हमने कहा और हम वार्ड के भीतर नहीं जाएंगे। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, कोई लॉ ब्रेक नहीं करेंगे, ICU में भी नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से एक बार मरीजों की स्थिति देखना चाहते हैं, तो बाहर से जो है हम मरीज की स्थिति देखें, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते हैं कि भीड़ भाड़ अस्पताल में जाए। ये कोई राजनीतिक रैली करने का वक्त नहीं है या राजनीतिक स्टंटबाजी करने का वक्त नहीं है, इसीलिए कोई भीड़ भाड़ नहीं हो अस्पताल में, हम खुद चाहते हैं, इसलिए चुपचाप जो है बाहर से स्थिति।